शुरुआत पापा से करूंगा। बहुत मुश्किल से पापा के लिए चंद शब्द मिलते हैं लिखने को, माँ के लिए सब लिखते हैं, तो शुरुआत किया है। करूंगा आपकी दाद चाहिए कि पापा तुझे समझना और समझकर शब्दों में पिरोना। पापा तुझे समझना और समझकर शब्दों में पिरोना, मानो उस सूरज को दिया दिखाना है। मानो उस सूरज को दिया दिखाना है, उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाना। उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाना, कैसे बताऊं चंद शब्दों में, मुझे याद वो पुराना जमाना है। मुझे याद वो पुराना जमाना। शुक्रिया। अब माँ पे और अंत भी माँ पे करूँगा कि लिखा है कि यूं घर से दूर बहुत दूर आया हूँ, यूं घर से दूर बहुत दूर आया हूँ, माँ तो नहीं आई, दुआ के रूप में माँ का शॉल लाया हूँ। माँ तो नहीं आई, दुआ के रूप में माँ का शॉल लाया। और एक फौजी भाई के लिए है कि फौजी भाई की माँ क्या कहती है सुनिएगा, कि आँखों में नमी होठों पे दुआ है उसकी। आँखों में नमी होठों पे दुआ है उसकी, वो फौजी की माँ है साहब, बेटा को जिंदा देखने की लालसा है उसकी। वो फौजी की माँ है साहब, बेटे को जिंदा देखने की लालसा है उसकी। अब एक मुल्क पे कहते हैं, बहुत देश तो महान है मेरा, और आज कल हमारे जैसे नौजवानों को गुमराह किया जाता है, तो उस पे लिखा है, गुमराह करने वालों को के लिए मैंने लिखा है कि मुल्क किसका तबाही किसकी होगी, मुल्क किसका तबाही किसकी होगी, मजहब के नाम पे लूटने वालों ये बता उस खुदा के पास गवाही किसकी होगी। मजहब के नाम पे लूटने वालों ये बता उस खुदा के पास गवाही किसकी होगी, वहाँ अदालत भी उसका हुकूमत भी उसका चलता है, वहाँ अदालत भी उसका हुकूमत भी उसका चलता है, वहाँ इन मासूमों की जान की सुनवाई किसकी होगी, वहाँ इन मासूमों की जान की सुनवाई किसकी होगी। इश्क पे लिखा है कि वैलेंटाइन का टाइम आ रहा है, तो उस पे लिखा है कि दिल तो बच्चा है एक इजाज़त रखता है, दिल तो बच्चा है एक इजाज़त रखता है, तेरी दुनिया सजाने की चाहत रखता है, कि तेरी दुनिया सजाने की चाहत रखता है, लाएंगे उस दिन इस दुनिया में तुझे, लाएंगे उस दिन इस दुनिया में तुझे, जिस दिन रब तुझे मुझसे मिलाने की चाहत रखता है। शुक्रिया। अब ब्रोकन हार्ट पे नहीं लिखा तो फिर क्या लिखा, कि लिखा है ताजीर का अर्थ होता है व्यापारी, तो मेरे इन चंद नब्जों में आएगा ताजीर सब, तो आपका दाद मिले। तेरे बाजार का ताजीर अच्छा है क्या, तेरे बाजार का ताजीर अच्छा है क्या, सौदा लगाने में पक्का है क्या, सौदा लगाने में पक्का है क्या, पूछने की वजह मत पूछ, पूछने की वजह मत पूछ, एक बेवफा जा रही है इश्क का सौदा करने। गौर फरमाइएगा कि एक बेवफा जा रही है इश्क का सौदा करने, बस इतना बता तेरे बाजार में इश्क की कीमत अभी भी सस्ता है क्या, बस इतना बता तेरे बाजार में इश्क की कीमत अभी भी सस्ता है क्या, और अगर नहीं तो तेरे ताजीर को बोल कीमत घटा दे, अगर नहीं तो तेरे ताजीर को बोल कीमत घटा दे, आ रहा हूँ मैं, देखना है मुझे बिकता हुआ इश्क दिखने में अच्छा है क्या। और दो दो शायर सुनाऊंगा, उसके बाद ख़त्म करूंगा। एक लिखा है कि निभाए इश्क में तलब की ज़रूरत नहीं होती, निभाए इश्क में तलब की ज़रूरत नहीं होती, महबूबा बदल जाए तो मोहब्बत को घर की ज़रूरत नहीं होती, महबूबा बदल जाए तो मोहब्बत को घर की ज़रूरत नहीं होती, यूं मैखाने में जाम छलकते होंगे, यूं तो मैखाने में जाम छलकते होंगे, पर हर जाम को आशिक की ज़रूरत नहीं होती, पर हर जाम को आशिक की ज़रूरत नहीं होती,
और सुना है रकीब खुश रखता है तुम्हें, और सुना है रकीब खुश रखता है तुम्हें, इसलिए तो महबूबा को महबूब की ज़रूरत नहीं होती। और अंतिम माँ पे ख़त्म करूँगा, जैसे बताया था, लिखा है मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, पुणे में जॉब करता हूँ, तो लिखा है कि माँ तेरी ममता के आंचल में छुपा बैठा, माँ तेरी ममता के आंचल में छुपा बैठा, रोती जिंदगी को खुशकिस्मत बना बैठा। माँ तेरी ममता के आंचल में छुपा बैठा, रोती जिंदगी को खुशकिस्मत बना बैठा, माँ वो लोरी फिर सुना दे अपनी दामन में यूं छुपा कर। इसे एक चंद लाइनें, दो लाइनें जोड़ा है कि माँ की गोद में जाकर मुझे ऐसी नींद है आई, जैसे सो गया सूरज ढलती शाम है आई। तो उस शेर पे आता हूँ कि माँ तेरी ममता के आंचल में छुपा बैठा, रोती जिंदगी को खुशकिस्मत बना बैठा, माँ वो लोरी फिर सुना दे अपनी दामन में छुपा कर, डर लगता है दूर जाने से कहीं दामन न गवा बैठा।